फिटनेस में बड़ी टीमों को टक्कर देती है भारत की महिला हॉकी टीम। जाने क्या है इसका राज। यह टीम उन लड़कियों से मिलकर बनी है जिन्होंने जब हॉकी की स्टिक थामी थी तो ज्यादातर को दो वक्त की घर की रोटी भी नसीब नहीं थी। किसी की माँ मजदूरी करती थी तो किसी के पिता दर्जी थे, किसी के पिता तांगा चलाते थे और हॉकी की स्टिक दिलाने तक के पैसे नहीं थे तो किसी के पिता फिटर थे। हॉकी पकड़ी तो किसी ने यह सोचा नहीं कि एक दिन ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम के यो-यो टेस्ट का औसत स्कोर 19 से 21 के बीच है। भारत से मुंह की खाने वाला ऑस्ट्रेलिया भी इस मामले में उनके आगे मात खाता है। रियो ओलंपिक के दौरान चीनी पहलवान से पैर तोड़वाने वाली विनेश फोगाट को ठीक करने वाले दक्षिण अफ्रीकी फिजिकल ट्रेनर वाइनी लोम्बार्ड ने महिला हॉकी टीम की सूरत बदल कर रख दी है। नेहा गोयल, निशा वारसी, शर्मिला की कोच पूर्व भारतीय कप्तान प्रीतम रानी सिवाच कहती है कि टोक्यो में ह्यूमिडिटी स्तर जितना है उसमें बिना उच्च स्तरीय फिटनेस के नहीं खेला जा सकता। आज के समय में हॉकी खेल के खिलाड़ी नहीं बना जा सकता है, फिटनेस बेहद जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम फिटनेस में नहीं मार खाएं, बल्कि इस मामले में ऑस्ट्रेलिया टीम हमसे मार खा गई। लड़कियों की फिटनेस पर पहले भी काम होता था लेकिन उनकी रिकवरी नहीं होने के चलते वो चोटिल हो जाया करती थी। लोम्बार्ड ने इसकी अनोखी काट निकाली। उन्होंने फिटनेस कराने के बाद रिकवरी के लिए सभी खिलाड़ियों को नंबर देने का फैसला लिया। हाइड्रोथेरेपी, मसाज, आधे घंटे की नींद, कूलिंग बैग, स्विमिंग पूल जाने के लिए अलग अलग नंबर निर्धारित किए गए। गूगल डॉक्यूमेंट पर जाकर खिलाड़ियों को एंट्री करनी होती थी और उसके बाद सभी को लोम्बार्ड नंबर देते थे। इससे यह हुआ कि चोटिल होने की समस्या पर रोक लगी। टोक्यो में ह्यूमिडिटी का स्तर और गर्मी काफी ज्यादा है। महिला खिलाड़ियों को बेंगलुरु में दोपहर में सर्दियों की जैकेट पहनाकर प्रैक्टिस कराई गई, जिससे टोक्यो में उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं आई।